दोस्तों, फिर मैंने नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखी उलझ। और ये जो प्यारी है, ये इस फिल्म में पहले उलझती है और फिर सुलझती है। तो नॉर्मली जो देखा गया है लड़कियों के मामले में, कि लड़कियां लड़कों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं और उनके दिखाए सपनों को सच मान लेती हैं, और लड़का बोलता है शादी तो होती रहेगी लेकिन तुम अभी से मेरी पत्नी हो, तो हमें बागरात वगैरह बना लेनी चाहिए, और लड़कियाँ इन मीठी मीठी बातों में फंस जाती हैं। तो वैसे ही ये प्यारी इसकी बातों में फंस के शारीरिक संबंध बना लेती है, और फिर लड़का करता है ब्लैकमेल। अरे आगे का देखना, अभी तो कपड़े भी नहीं उतरे हैं। सुन, सिंपल रखते हैं, मुझे वो फिल्मी ब्लैकमेलिंग नहीं करनी है यार तेरे साथ। कि भैया अगर वीडियो वायरल नहीं करवाना चाहती हो तो मुझे ये डॉक्यूमेंट ला के दो, वो डॉक्यूमेंट ला के दो, नहीं तो मैं ये सब वायरल कर दूंगा। अब ये जो प्यारी होती है, ये एक रेपुटेटेड फैमिली से होती है, पिता देश की बहुत बड़े अधिकारी हैं रॉ वगैरह में, तो ये भी मतलब उस गिल्ट में रहती है कि कितनी बदनामी होगी, और ऊपर से डॉक्यूमेंट दूंगी तो मैं गद्दार कहलाऊंगी। तो वो सारी जो उलझन है उनसे ये कैसे निकलेगी, बस यही सब इस फिल्म में है। तो बात करें फिल्म की, तो फिल्म हौले 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 चलती है। अच्छा, ये फिल्म का जब ट्रेलर आया था तभी मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये फिल्म सिनेमा हॉल लायक तो नहीं है, इसलिए मैंने सिनेमा हॉल तो स्किप ही मार दिया। तो OTT लायक थी इसलिए मैंने OTT पे ही देखी। और OTT पे हम जब अकेले होते हैं तो हम हर चीज़ गहराई से और उससे समझ लेते हैं, जबकि सिनेमा हॉल में तो मसालेदार फिल्में ही अच्छी लगती है, क्योंकि हो हल्ला सीटी इंजॉय करने के लिए आते हैं, उसमें हमें ज़्यादा बोलनी चाहिए। तो OTT में जब आप देखोगे तो मुझे तो पर्सनली ठीक ठाक फिल्म लगी। मतलब कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो पूरा साथ दे रहा था, इस वजह से जो टेंशन है वो फील हो रही थी। बाकी लॉजिक वॉजिक कोई अगर फिल्म में देखता है तो मूर्ख ही कहा जाएगा, तो लॉजिक हटा दो। टाइम पास एंटरटेनमेंट की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन जितना है उतना एक डिसेंट है। और प्यारी की एक्टिंग मेरे किसी को अच्छी लगे ना लगे, मेरे को अच्छी लगी। और ये भैया तो भाई साहब मतलब कि इस फिल्म की जान है, अगर कोई इस फिल्म का सबसे बेस्ट चीज़ थी तो ये वाले भैया थे। तो ओवरऑल ओवरऑल अगर टाइम है, खाली समय है, तो इसे आप देखोगे तो निराश नहीं होगे मेरी नज़र में। बाकी अलग अलग चॉइस है तो फिर कोई कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही सुन के बारे में। जय हिंद, जय भारत।